और देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर हामिद अंसारी आज शपथ लेंगे। सीधे हम आपको लेकर चल रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। हामिद अंसारी का शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मौजूद हैं। उस पद को पढ़ा जाए जिसमें निर्वाचित उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा की गई। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यतः मोहम्मद हामिद अंसारी की पदावधि का अवसान वर्ष 2012 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार 1934 के श्रावण मास के 19वें दिन को होना है, और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन संविधान तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के बंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करता है कि वर्ष 2012 के अगस्त मास के 7वें दिन तदनुसार शक संवत 1934 के श्रावण मास के 16वें दिन को श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2012 के अगस्त के 7वें दिन तदनुसार शक संवत 1934 के श्रावण मास के 16वें दिन को जारी किया गया। I, Muhammad Hamid Ansari, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं हामिद अंसारी। अशोका हॉल में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। देश के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब एक ही शख्सियत को लगातार दूसरी बार मौका मिला है राष्ट्रपति बनने का।